ब्रीदिंग प्राणायाम जो हमारी धरोहर है, योगा जो हमारी धरोहर है। इंडिया इसीलिए बच पाएगा क्योंकि हमें हमारी धरोहर यूज़ करने को आती है, हमें पता है कि हमें कैसे योगा और ब्रीदिंग को डेली यूज़ करना है। सो जब हम आप आपकी फैमिली के साथ हो, आप आपके बच्चों को साथ हो, ये समय को वेस्ट मत करिए। प्रिवेंशन एक बहुत बड़ा साइंस है जिसको अब हमें घर घर पे लेके जाना है। और ये समय है जहाँ पे आप घर में हम आपके बच्चों को ना कि लेट नाइट करने दें क्योंकि छुट्टियाँ हैं, आप यहाँ पे टाइम मैनेज करिए उनके साथ, आपकी फैमिली के साथ टाइम मैनेज करिए, राइट टाइम पे सोइए, राइट टाइम पे उठिए, सोने का महत्व समझाइए उनको और ब्रीदिंग के एक्सरसाइज सिखाइए। आपके खाने में डेली जूसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अच्छा खाना, दो टाइम सही तरीके से खाना खाइए। और अगर आपने इस तरह से किया तो आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी और अगर कुछ इन्फेक्शन आता भी है तो हम उसको ठीक तरह से फेस कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, हमारी बॉडी उनको फाइट कर सकती है। अगर लंग्स हेल्दी होंगे, ब्रीदिंग अच्छा होगा तो हमारे ऑर्गन हेल्दी होंगे। और ये समय है हमारी जनरेशन के लिए, हमें घर रह के काम करना है, हमारे बच्चों को सिखाना है, हमारी फैमिली को सिखाना है। सो बी स्टे एट होम, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और स्वच्छ रहिए। और कल मैं वापस इसी के YouTube के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगी कि सही तरीके से ब्रीदिंग कैसे किया जाए इस समय में जहाँ पे क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। सो स्टे कनेक्टेड और कल हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।